मैं बोल रहा हूँ अगले पाँच साल में एम का जितना इंडिया में नाम होगा ना उतना तो और किसी स्पोर्ट्स का जल्दी से होने वाला नहीं है आई थिंक ये स्पोर्ट्स वन ऑफ द टफेस्ट है रीजन इसमें तो तुम्हें तो फिजिकली भी चाहिए तुम्हें मेंटली भी चाहिए पर दिक्कत यह है कि एम में ना इंडिया में इतना तो पैसा है नहीं ये एम ए में गुस्से कैसे मतलब किसी से पिटे विटे थे या फिर गुस्सा आया निर्णय सेल्फ डिफेंस है गोली गोरी माली मैंने एम एम लिटरली शुरू किया था क्योंकि मैं करता था पावर लिफ्टिंग अच्छा मैं सर जिम जाता था हाँ। दो टाइम जिम जाता था तब की जरूरत नहीं थी ज्यादा था कि मुझे कंपटीशन खेलना था मेरा नेशनल आ रहा था हाँ। उसके लिए वेट कट करना था और मुझे कार्डियो इतना पसंद नहीं था करना मुझसे जिम वालों को नहीं होता है, तो मैंने सोचा तो बॉक्सिंग करता हूँ मजा तो मजा आएगा और वेट भी कट जाएगा नहीं, नहीं। पर फिर मैंने नेशनल खेला और मुझे पता लगा इंडिया में पावर लिफ्टिंग का क्या हाल है तो मैंने सोचा कि फिर मुझे बॉक्सिंग इतना आया उस समय में से बॉक्सिंग और बॉक्सिंग ही करता था नेशनल ग्राउंड गेम इतना करता नहीं था तो धीरे धीरे उसपे अंदर रुचि बढ़ी तो मैंने बोला कि यार एम ही करना चाहिए तो फिर मैं तब से एम ही कर रहा हूँ उसके बाद से पावर पाउडी में खेलूं उससे फुल टाइम पैसे आ गए मतलब फुल टाइम का मतलब जैसे कि पहले तो मैं सिर्फ एक टाइम करता था फिर एक कंपटीशन आया जो स्टेट का कंपटीशन था तो जब हमारे कोच है तो उन्होंने बोला कि लाइक कौन कौन जाना चाहता है तो मैंने कहा मुझे भी ट्राई करना है देखना है कि इतना टाइम मैंने जिम किया तीन साल जिम किया ऐसा कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है तो मैंने कहा कर ट्राई करते हैं तो मैंने एक साल मतलब सिर्फ तीन महीने की ट्रेनिंग में पहला कॉम्पिटिशन खेलने चला गया था अभी अपना स्टेट ठीक है और मतलब स्किल्स तो मुझे नहीं पता कि उसमें कितना ज़्यादा एकदम से बिगिनर के नहीं आता तीन महीने में कोई क्या ही सीखता है ठीक है बस एटलीस्ट क्योंकि मैं जिम करता था और मैं थोड़ा अपना एक्टिविटी करता रहता था थोड़ा मुझे पता था एथलेटिकम कैसे करना है पढ़ता रहता था तो मुझे ये पता लगे करना कैसे और तो मैंने उस 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 कंपटीशन में मेरा गोल्ड लाया था और तब से मुझे लगा कि लाइक हाँ यार, यार ये मैं कर सकता हूँ मेरे को ऐसा लगा था कि तीन महीने बाद आए चेक करने के लिए फिर गए फिर हम गुस्सा नहीं, 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 पहली बार में गोल्ड मेरी तीनों मेरी स्टार्टिंग की जो दो फाइट थी उस कॉम्पिटिशन में तीन फाइट हुई थी दो दिन के अंदर तीन फाइट थी मेरी तीन महीने ट्रेनिंग करने के बाद हाँ ठीक है तो पहली फाइट में क्या हुआ स्टार्टिंग के जो दस सेकेंड थे बीस पारह बीस सेकेंड थे मैं सिर्फ मार खा रहा था क्योंकि उससे मुझे आदत नहीं थी कि मार खा के मारने वाली लेकिन उसके बाद फिर मैं जैसे हो जाता है ना कि लाइक हाँ मुझे पता है कि अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ हाँ। अब मुझे करना ही करना है तो फिर मैंने दोनों फ़ाइट खेली और फिर मैंने तीसरी फाइट में तो मेरे पंच टच भी नहीं हुआ क्योंकि फिर तब मुझे समझ आ गया था करना कैसे तो फिर तीनों फ़ाइट हो गया फिर मैं गोल्ड आ गया फिर मैं नेशनल के लिए सेट सेलेक्ट हो गया था तो लाइक वो था कि लाइक हाँ अब तो भाई अब नेशनल में सेलेक्ट हो गया हूँ और इसकी वैल्यू भी है तो भाई आगे बढ़ते हैं बहुत सही तो मतलब वो टर्निंग पॉइंट कौन सा आया कि मतलब अब सोच जाए कि अब तो एम एम घुसना ही घुसना है अब अब तो वेट लिफ्टिंग छोड़ो छोड़ो सब कुछ जब मैंने देखा कि आ, मेरी बॉडी पावर लिफ्टिंग या सिर्फ जिम करके सिर्फ इंजर्ड ज्यादा हो रही है देन एक्टिव अच्छा लाइक जब मैं एम एम करता हूँ तो या अभी भी करता हूँ तो मुझे लगता है कि लाइक हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ लाइक आई एम पुटिंग इन वर्क और मेरी बॉडी को मैं उस तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ जिस तरीके से होनी चाहिए बस जब मैं जिम करता हूँ तो मेरी बॉडी जाती है स्टिफ और जॉइंट पेन करते हैं और लिटरली मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था इसी वजह से कि मैं सिर्फ जिम करता था क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी कि लाइक एथलेटिकम भी कुछ होता है बिल्कुल okay. फिर आ, मैंने अपना जब मैंने पहला एम का मैच खेला <laughs> और मैं आई थिंक मेरे सारे घर वालों ने उसे देखा मेरे जितने जानने वाले थे सब ने देखा बिल्कुल एंड में जाके मतलब ऐसा मोमेंट आ गया था कि लाइक मैं उस सिचुएशन में फंस गया था <laughs> मतलब अब मैंने सोच मैंने सोचा था कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता लिटलिंग मोमेंट आया था एम एम ए फाइट कैन पे मैंने जो पहली फाइट बताई वो मेरी स्टेट कॉम्पिटिशन था किक बॉक्सिंग का ये था ग्राउंड गेम मतलब लिटरल छोटे ग्लव्स हैं दो चार राउंड्स के आठ राउंड के उसमें तो अलग ही सीन चलता है तो मतलब मैं लिटरल नीचे था पर लेकिन पता नहीं सब मुझे क्या याद आया कि लाइक सब देख रहे हैं सब ये हो रहा है तो उसके बाद एकदम से हुआ तब से लेके अभी तक फिर मैं आई थिंक मैंने दस फाइटें खेली है। और जिसमें ग्रैपलिंग भी है किक बॉक्सिंग भी है एम ए तो है पूरा मिला के हाँ वही चल रहा है तब से सही है तो इन बेस्ट फाइटों में सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट कौन सा होगा कि भाई ये सबसे यादगार दिन है मेरा इस जर्नी का और कंटेंट क्रिएशन कैसे गुजरे तो से, से फाइट करते करते अब सिखाऊंगा भी मैं आ, सबसे ज्यादा मेमोरेबल है मेरा जब मैं ये एम एफ एम खेलने गया था तो मुझे बीच में काफ़ी टाइम हो गया था तीन महीने जिसमें मैंने फाइट नहीं खेली थी तो मुझे एक्सपीरियंस था ही नहीं जीरो एक्स मतलब ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते जीरो एक्सपीरियंस पर अगर तुम फाइट नहीं करोगे ना बार बार तो तुम्हारे दिमाग से ना वो निकल जाता है जब तुम रिंग के अंदर उतरोगे तुम्हें एहसास होगा कि लाइक अब तुम्हें पढ़ने वाली है और तुम्हें मारना भी है लिटरली ये एहसास होगा बिना स्पारिंग के नहीं होगा बिना स्पारिंग के नहीं होगा के नहीं स्पारिंग तुम्हें कर रहा था पर लिटरल फाइट जहां पे तुम्हें अपना हंड्रेड परसेंट देना है स्पारिंग में तुम हंड्रेड परसेंट नहीं देते तुम सामने वाले का भी देखते हो तो अपना भी देखते हो कि तुम मारने लगे गार्ड होते हैं दस चिंजे होती हैं पर उसमें क्या होता है तुम एक शॉर्ट्स में होते हो और तुम्हारे हाथ में सिर्फ ग्लव्स होता है और उतर जाते हो अंदर तो पहली फाइट के अंदर उतरा तो जो पहला पंच था लाइन जो उस उस पहले पंच के बाद से था ना ऐसा लगा कि लाइक हाँ यार ये ये चीज़ हो सकती है ये लिटरल हो सकती है क्योंकि मुझे एक कॉन्फिडेंस होता है ना अपने अंदर फील होना देखो आ, एक चीज मैं जो भी जो भी मेरे से कोई पूछता है ना सिंपल सी बात बोलता हूँ तुम्हारी कॉन्फिडेंस तुम्हारी ट्रेनिंग से आती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम बचपन से नहीं आता कोई किसी से नहीं आता तुमने कंपटीशन से पहले कितनी ट्रेनिंग करी है वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है लोग नर्वस होते हैं मैं भी होता हूँ रिंग के अंदर जाके पर मुझे ये याद आता है कि मैंने इसके लिए कितना ट्रेन किया है और मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ मतलब मैं क्योंकि जो मुझे ट्रेन किया है मैं वही करूँगा इसके अलावा तो मैं कुछ करूँगा बिल्कुल पर दिक्कत यह है कि एम में ना इंडिया में इतना पैसा है नहीं अच्छा नहीं है जितना क्रिकेट में क्रिकेट में देखा होगा बहुत बड़े बड़े एम 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 में नहीं है लोगों को लगता है मार पिटाई वाला गेम है चोट लगती।, लगती है चोट लगती है चोट क्रिकेट में भी लगती है चोट हर स्पोर्ट में लगती है चोट गाड़ी चलाने में लगती है बस ये है कि लोग इसे इसी वजह से छोड़ देते हैं कि इसमें पैसा नहीं है लेकिन लोग इसमें आते भी इसी वजह से इसमें पैसा है वो तब है जब आप बिल्कुल एक टॉप वन पर्सन में घुस जाओ हाँ कि आपको लोग जानते हैं लोग जानते हैं अब जैसे तुमने यू सबसे ज्यादा यू एफ सी को देख एम स्टार्ट वो किया जाता है बिल्कुल क्योंकि कॉर्नर मगरेगर ने क्या किया कि एक फैन बेस बनाया अब लोगों को लगता है कि कॉर्नर मगरेगर इसलिए ज़्यादा बढ़िया है कि उसकी स्किल बहुत अच्छा मानता हूँ मैं उसके स्किल बहुत अच्छे हैं उस बंदे ने अपने स्किल पर भी काम किया है बट जितना कॉन्टेंट उसने दो से दो से लेकर दो के बीच में डाला है न, तो ना तो अभी तक पूरी यूएफ़ सी ने नहीं डाला तो ये सोचो कि उस बंद ने अपने कितना मार्केट किया लोग सिर्फ एक तरफ से देखें इस वजह से वो ग्रो नहीं कर रहे करेक्ट करेक्ट मैंने स्टार्ट किया पहले मैंने सिर्फ नॉर्मल वीडियोस डाला हाँ। लेकिन लोगों को इंटरेक्शन नहीं था क्योंकि लोगों को तो पता नहीं है तो मैंने सबसे सबसे मेन पॉइंट पकड़ा पहले लोगों को उसके बारे में बताओ कि यह है और ये हो सकता है है और ये हो सकता है जब मैंने बिल्कुल से स्टार्ट किया कि हाँ ये हो सकता है और इसे इस तरीके से करा जाना चाहिए कोई वो नहीं है कि मैं तुम्हें तो ये सिखा दूंगा मैं मैंने सिखा दी मैं पहली वीडियो मैंने यही बोल के डाली थी कि मैं जैसे सिखा मैंने जैसे तना सीखा मैं तुम्हें सिर्फ एग्जैक्ट वो भी सिखाऊंगा अभी लगता है फीच नहीं सब इसमें फ्यूचर हो सकता है हाँ मतलब अभी बढ़ेगा ट्रेंड अभी हुआ मैं बोल रहा हूँ अगले पाँच साल में एमएमए का जितना इंडिया में नाम होगा ना हाँ। उतना तो और किसी स्पोर्ट्स का जल्दी से होने वाला नहीं है ओके बस दिक्कत यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के मतलब अभी भी इंडिया में बहुत सारे माँ बाप हैं जो मतलब बच्चों को लेकर थोड़ा वो है कि लाइक बच्चे की चोट लगेगी या देखो यार चोट तो लगेगी चोट तो हर चीज में लग सकती है चोट तो ऐसे लगेगी यार वो तो बस दिक्कत से मुझे चीज़ की है कि लाइक तुम किसी चीज़ें कैसे परस्यू करना चाहते हो और ये स्पोर्ट्स इतना आसान नहीं है आई थिंक ये स्पोर्ट्स वन ऑफ द टफेस्ट है रीज़न किस में तुम्हें फिजिकली भी चाहिए तुम्हें मेंटली भी चाहिए तुम तुम्हारा मतलब तुम्हें ओवरऑल करना है तुम्हें जिम भी करना है तुम्हें स्किल ट्रेनिंग भी करनी है तुम्हें मेंटली प्रिपेयर भी होना है तुम किसी डिस्ट्रैक्शन में जा भी नहीं सकते हो एग्जैक्टली सोचो सोचो तुम बारह के बारह महीने सुबह शाम जिम जा रहे हो एक ही प्लेस पे जा रहे हो एक ही चीज कर रहे हो एक ही जैसा खाना खा रहे हो और उसी में तुम जिम भी कर रहे हो तुम उसमें कार्डियो भी कर रहे हो और उसमें तुम्हें ये भी देखना है कि और अभी इंडिया में पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है सर कमाने के लिए तुम्हें अलग चीजें भी करनी पड़ रही है मतलब पैशन के साथ में एक इनकम का भी धीरे लूंना पड़ेगा करना पड़ता हो तो ये इस वजह से स्पोर्ट इस समय रखा है हैक्टिक पर जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी चीजें इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि कॉन्टेंट क्रिएशन करो तुम्हें जो भी आता है एटलीस्ट उसे डालो नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा वैसे भी तो कुछ नहीं था नहीं, नहीं। लेकिन चल गया तो अच्छी बात है अभी काफी सारी कुछ -कुछ तो कुछ -कुछ तो बहुत ही फनी आती है मतलब जो बिल्कुल नाटक वाली ही होती है बट कुछ कुछ तो जनरन थी काफी जनरल थी जैसे एक एक मैंने देखी थी कि मतलब पूरा रिस्ट ओपन करके मारने वाली कि मतलब सीधा इसको मारने की इससे तो उससे मेरा काफी इफेक्ट पड़ा था नहीं लोगों के पास नॉलेज है लोग बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर है बस दिक्कत है कि उन्हें प्रेजेंट करना नहीं आता लोगों ने कहीं बताया नहीं कि इस गेम में प्रेजेंट करना भी होता है तो की, तो नहीं। नहीं। की ज्यादा नॉलेज है पर मुझे बोलना आता है मुझे आता है कि, मैं उसे दिखा कि भाई इसे ऐसे और ये ऐसे होगा मेरे साथ बहुत सारे टीम हैं मैं देखो नाम नहीं ले रहा हूँ पर ये चीज की कमी है और जो मुझे लगती है मतलब मतलब उन्हें पता है कैसे करना है पर जब वो सिखाने आएंगे ना तो वो पहली बात तो उसे बता नहीं पाएंगे उसे बताना कैसे और दूसरी चीज उसे समझा नहीं पाएंगे और सच बताओ समझा वो ही पाएगा जिसने, जिसने से का से सुना फिर उसे अपने तरीके से करने की कोशिश करी समझा अच्छा लास्ट क्वेश्चन ठीक है कभी किसको को पीटा है मैच के बाहर हाँ भी और पिटा भी दोनों ही नहीं चलो भाई थैंक यू यार नेक्स्ट टाइम थैंक यू